हेलो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के न्यू वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ किस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे हैं पहले तो आपको तो डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आपको पेटीएम एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन का वहाँ से जा करके आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको वीडियो पे आना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा पेटीएम का, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है नीचे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, तब आपके पैसा ट्रांसफ़र होगा, वॉलेट का पैसा आपका बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए मैं इंस्टॉल होने देते हैं। डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको ओपन कर लेना है, पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी मोबाइल नंबर से आप चलाते हैं उस नंबर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, और यहाँ से सारा परमिशन अलाउ मांगेगा तो यहाँ से अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सारा अलाउ कर देना है जो भी परमिशन मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, इसके यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई होगा ओटीपी, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरे यहाँ पे वॉलेट में 20 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन दिख रहा है, पे करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र टू बैंक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड टू वॉलेट टू बैंक, तो इस पर आपको अमाउंट डाल देना है। यहाँ पे जितना भी आपको ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, यहाँ पे वॉलेट में जितना पैसा है आपका ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना है, आईएफएससी कोड इंटर करना है, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अपना नाम डाल देना है, अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर आपको फिर से डालना है। तो चलिए मैं कंफर्म करने के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर फिर से डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे करने के लिए कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि 20 रुपये है तो आपका यहाँ पे पेमेंट 20 रुपये ही आपका अकाउंट में जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म योर एड योर ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी आया, यहाँ पे ओटीपी इंटर कर लेना है। ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ओटीपी, यहाँ पे फिर से आपको एक ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से ओटीपी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे जो भी वॉलेट में आपको पैसा है जो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे पेटीएम वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपका पेटीएम केवाईसी होना चाहिए, तभी आपका वॉलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मेरा पेटीएम यहाँ पे केवाईसी हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पेटीएम केवाईसी हो चुका है, तभी आपको ट्रांसफ़र होगा वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। पेटीएम आपका केवाईसी होना चाहिए तभी आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इसी तरह से आप भी अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिनी कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।